नमस्कार दोस्तों, वरिंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। सनराइजर्स हैदराबाद ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में टॉस जीतकर पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया। केकेआर के लिए नीतीश राणा और शुभमन गिल ने ओपनिंग की, दोनों ने मिलकर केकेआर को सटीक शुरुआत दी। 53 रन के स्कोर पर गिल राशिद खान की गेंद पर बोल्ड हो गए, लेकिन दोनों ने मिलकर केकेआर के लिए बड़े स्कोर की नींव रख दी। गिल ने 13 गेंदों पर 15 रनों की पारी खेली, जिस दौरान अपनी पारी में शुभमन ने एक चौका और एक छक्का लगाया। खासकर नटराजन की घातक गेंद पर गिल ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से यादगार छक्का जमाया, जिसकी तारीफ कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट कर की। भोगले ने गिल के इस छक्के को क्लास वाला छक्का करार दिया। गिल ने केकेआर की 5वीं ओवर की पहली गेंद पर नटराजन की ओवर की पिच गेंद पर एक कदम आगे बढ़कर सीधे बॉलर के ऊपर से खूबसूरत छक्का जड़ा। गिल द्वारा लगाए गए छक्के की तारीफ हर कोई कर रहा है। सोशल मीडिया पर उनका यह शॉट जमकर वायरल हो रहा है। बता दें, नटराजन अपनी गेंदबाजी के दौरान यॉर्कर गेंद डालने के लिए विख्यात है, लेकिन गिल ने उनकी यॉर्कर गेंद को ओवर पिच बनाकर स्ट्रेट छक्का लगाकर कमाल कर दिया। हालांकि अपनी पारी में गिल ज्यादा बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन उनकी इस खूबसूरत छक्के ने फैंस का दिल जीत लिया। बता दें, केकेआर ने राहुल त्रिपाठी ने आईपीएल में 1000 रन पूरे कर लिए। आईपीएल के इतिहास में त्रिपाठी 1000 रन बनाने वाले 41वें बल्लेबाज हैं। राणा ने शानदार अर्धशतक की पारी खेली, उन्होंने आईपीएल करियर का 12वां अर्धशतक जमाया। केकेआर प्लेइंग 11 में हरभजन सिंह को शामिल किया गया। केकेआर के लिए हरभजन सिंह आईपीएल में अपना डेब्यू मैच खेला। आपको बता दें, केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 187 रनों का स्कोर बोर्ड पर लगाया। नीतीश राणा ने 56 गेंदों पर 80 रनों की पारी खेली। वहीं शुभमन गिल ने 13 गेंदों पर 15 रनों की पारी खेली। पहले विकेट के लिए शुभमन गिल और नीतीश राणा के बीच 53 रनों की साझेदारी हुई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।